आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हो कि चीप एंड बेस्ट ईयरफोन 300 to 400 के बजट में आपको जानना है मुझसे, तो लेके आ गया हूं मैं ये टोटल 6 ईयरफोन्स आपको करके बताने वाला हूं। इन सभी की अनबॉक्सिंग, साथ में आपको बताऊंगा बॉक्स में क्या मिलता है, उसके बाद इसका पूरा कंपैरिजन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो की टोटल 4 कैटेगरीज है। सबसे पहला इनबॉक्स एक्सेसरीज, दूसरा है बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात, उसके बाद कॉल क्वालिटी के बारे में बात, और सबसे चौथी कैटेगरी होगी फाइनल म्यूजिक। उसके बाद मैं आपको टोटल वर्डिक्ट बताऊंगा इस कंपैरिजन में कि क्या आपके लिए कौन सा ईयरफोन सही है या फिर नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इन सभी ईयरफोन का, आप जाकर वहां से चेक करना अगर आपको रीसेंट प्राइस जानना हो। लेकिन मुझे ये सारे ईयरफोन ऑलमोस्ट 300 से 400 के बीच में मिले। सबसे पहला ईयरफोन सारेगामा कारवां GX01। इसकी बॉक्स एक्सेसरीज बड़ी ही सिंपल सी है, ईयरफोन है और साथ में आपको एक लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि इसका जो बॉक्स पैकेजिंग है, जितने भी ईयरफोन यहाँ पर है, सबसे अच्छा बॉक्स पैकेजिंग इसमें देखने को मिलता है। ये चीज़ यहाँ पर मैग्नेटिकली अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से इसमें काफी प्रीमियम लुक एंड फील आता है। बॉक्स पैकेजिंग को देखते हुए दूसरे नंबर पे मेवी E5, इसका बॉक्स काफी अच्छा था, इसकी भी पैकेजिंग अच्छी थी। इन बॉक्स एक्सेसरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स लार्ज मीडियम स्मॉल साइजेस के, और साथ में रहेगा ईयरफोन और एक यूजर मैनुअल आपके लिए। अच्छी बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है बोल्ट ऑडियो X1। इसकी भी बॉक्स पैकेजिंग काफी सॉलिड थी और इसमें आपको इन बॉक्स एक्सेसरीज में देखने को मिल जाते हैं कुछ ईयर टिप्स और साथ में ईयर हुक्स, वो भी अलग अलग डिफरेंट साइजेस के, लार्ज मीडियम और स्मॉल। एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी इसमें आपको मिल जाती है, वो है ईयर हुक, जिससे आप कानों में ईयरफोन को काफी अच्छे से लगा सकते हो। ओराइमो वर्टेक्स 2S की इनबॉक्स एक्सेसरीज में भी सिंपल एक ईयरफोन है और साथ में आपको देखने को मिल जाता है कुछ ईयर टिप्स लार्ज मीडियम स्मॉल साइज का। पांचवें नंबर पे आता है डंबल हेलिक्स 2। इसका भी बॉक्स पैकेजिंग वैसे तो काफी अच्छा है, लेकिन इनबॉक्स एक्सेसरीज में आपको देखने को मिलते हैं लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। एक इशू यहाँ पर ये है कि जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं वो वाइट कलर के हैं, जबकि जो इंस्टॉल्ड है वो रेड कलर का है। पता नहीं ये इनकंसिस्टेंसी मेरे ही साथ हुई है या फिर आपको भी ऐसा मिलेगा। अगर ये दोनों सेम रेड कलर का, जैसे मैंने ईयरफोन ऑर्डर किया था तो ये भी रेड कलर का होना चाहिए था, लेकिन इनबॉक्स एक्सेसरी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी इस ईयरफोन में। और सबसे लास्ट में आता है एंट ऑडियो W56। इसकी बॉक्स पैकेजिंग मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी और बॉक्स भी डैमेज हो चुका था, लेकिन इसमें भी आपको ईयर टिप्स मिल जाते हैं लार्ज मीडियम स्मॉल साइज के, और साथ में यूजर मैनुअल छोटी सी रहती है, और बॉक्स पैकेजिंग में सबसे छोटा बॉक्स पैकेजिंग इसी का है। तो बॉक्स पैकेजिंग और इनबॉक्स एक्सेसरीज को देखते हुए नंबर 1 पे जो ईयरफोन आता है वो है सारेगामा कारवां GX01, और ये इस राउंड का विनर भी बन जाता है क्योंकि बॉक्स पैकेजिंग, अगर आपको इवन कलेक्शन में भी ये बॉक्स रखना है ना, बहुत अच्छा है, काफी हैवी सा है। नाउ कम्स द सेकेंड कैटेगरी विच इज बिल्ड क्वालिटी। अब बारी बारी से इन 6 के 6 ईयरफोन का मैं आपको बिल्ड क्वालिटी कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ। वेरी फर्स्ट वन सारेगामा कारवां, इसका जो कनेक्टर है वो गोल्ड प्लेटेड है और 120 डिग्री पर अटैच्ड है। यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म है काफ़ी अच्छा सा है, और इसका माइक का प्लेसमेंट इनलाइन है, वो भी राइट साइड के साइड में, तो ये ऐसे मुंह के पास में रहता है। और उसके साथ अगर आप वायर क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पर ये सबसे पुअर वायर क्वालिटी है। 310 के प्राइस पे अब हम ज़्यादा कंप्लेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती इस ईयरफोन की तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरा ईयरफोन मेवी रॉक एंड रोल E5, इसकी बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी तो माइंड ब्लोइंग है। इसका जो कनेक्टर है वो 90 डिग्री पे है और गोल्ड प्लेटिंग यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगी। साथ में इसका माइक जो है बीच में अटैच्ड है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर की टोटल वायर लेंथ है इसकी। लेकिन इसके जो ईयर टिप्स हैं ये सिर्फ प्लास्टिक के हैं, ऐसा कुछ मेटेलिक नहीं है, सेम टू सेम जैसे सारेगामा कारवां में है। लेकिन हाँ, एक एडिशनल एडवांटेज इससे ये होता है कि ये काफ़ी लाइट वेट बन जाता है, तो सारेगामा कारवां और मेवी रॉक एंड रोल जो ईयर टिप्स हैं वो काफ़ी लाइट वेट हैं,
लेकिन यहाँ पर मीवी का जो ये नायलॉन ब्रेडिंग है उसकी वजह से ये ईयरफोन ज़्यादा स्टर्डी है। तीसरा ईयरफोन बोल्ट ऑडियो X1, इसका जो कनेक्टर है वो भी 120 डिग्री पे है ऑलमोस्ट, और साथ में यहाँ भी गोल्ड प्लेटिंग आपको देखने को मिलती है। वायर की थिकनेस काफी ज्यादा अच्छी है, काफी थिक सा वायर है। माइक का प्लेसमेंट आपको बीच में देखने को मिलता है जैसे कि मीबी में था, सेम टू सेम अक्सर ऐसा ही होता है बहुत सारे बजट ईयरफोन में। और आपको बटन वगैरह वो सभी कुछ मिलते हैं, जितने भी ईयरफोन है ऑलमोस्ट सभी में आप तो यहाँ से कॉल रिसीवर आंसर कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज इट इज ऑल्सो ओके। बस एक एडिशनल एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पर एक हुक आपको देखने को मिलता है जिससे ये कानों में थोड़ा कंफर्टेबली फिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेटलिक बिल्ड नहीं है, ये पॉइंट एक नोटिस करने वाली है। नंबर 4 ओराइमो वर्टेक्स 2S, इस ईयरफोन का कनेक्टर स्ट्रेट टाइप कनेक्टर है, कोई भी गोल्ड प्लेटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको नायलॉन ब्रेडिंग देखने को मिल जाती है टिल द माइक। माइक के बाद कोई भी नायलॉन ब्रेडिंग नहीं है, लेकिन इसके जो ईयर टिप्स है वो मेटेलिक बिल्ड के हैं, तो उससे काफी एडिशनल एडवांटेज आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयरफोन डंबल हेलिक्स 2, और इसका जो कनेक्टर है ये ऑलमोस्ट नॉट 120 डिग्री नॉट 90 डिग्री, करीब करीब 90 डिग्री पे हम इसे मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको गोल्ड प्लेटिंग देखने को मिल जाती है कनेक्टर पे। साथ में इसका जो वायर है इसकी भी क्वालिटी मुझे ठीक ही लगती है, नॉट बैड एट ऑल। इसका भी माइक बीच में ही प्लेस्ड है और यहाँ से कुछ इस तरह से है। इस ईयरफोन में भी आपको मेटलिक ईयर टिप मिलते हैं विच इज वेरी नाइस। बिल्ड क्वालिटी वाइज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओके ओके। नाउ कम्स द लास्ट ईयरफोन विच इज एंड W56। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी लगी मुझे। इसमें 90 डिग्री का कुछ अलग सा ही कनेक्टर है और साथ में इसकी केबल जो है वो फ्लैट टाइप की है। यहाँ भी आपको गोल्ड प्लेटिंग देखने को मिल जाती है कनेक्टर में, और साथ में इसका वायर लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर का सभी की तरह से। और इसका जो माइक का प्लेसमेंट है वो बीच में ना होने के बजाय यहाँ किनारे पर है, तो उससे ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है कॉल वगैरह में। लेकिन इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी एक्सीलेंट लगती है मुझे फॉर ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ प्राइस। इसमें भी आपको मेटेलिक ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में इसमें भी एक हल्का सा हुक मिलता है, लेकिन इनबॉक्स एसेसरीज में हमें कोई भी एक्स्ट्रा हुक नहीं मिलता है, वो बात आपको ध्यान में रखनी होगी। बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए अगर मुझे रेटिंग देनी हो इन सभी ईयरफोन्स को तो कुछ इस तरह से हैं। आप पूरी की पूरी रेटिंग्स वगैरह मेरी देख सकते हो। सबसे पहले नंबर पे विनर बनता है एंट ऑडियो 5-स्टार रेटिंग की बिल्ड क्वालिटी के साथ में। दूसरे नंबर पे जो रनर अप मैं बुलाऊंगा, ये रनर अप यहाँ पर रहे हैं ओराइमो और मीवी, इन दोनों को मैंने 4.5 स्टार की रेटिंग दी है, ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रेडेड केबल वगैरह होने की वजह से। और सबसे पुअर रेटिंग यहाँ पर मिलती है सारे गामा कारवा जी X01 को बिल्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट में ओनली 3 स्टार के साथ। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी विच इज कॉल क्वालिटी। यहाँ पर मैं इसकी सारे ईयरफोन की माइक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप कमेंट सेक्शन में खुद मुझे जाकर बता सको कि किसकी माइक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रही है सारेगामा कारवा GX01 के माइक से। यहाँ पर मैंने माइक यहाँ पर लगा रखा हुआ है, ऑलमोस्ट ये ईयरफोन अगर आप नॉर्मली लगाते हो तो यहाँ पर माइक रहेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि इसकी साउंड रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, आपको कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो ये हो रही है मीवी रॉक एंड रोल E5 ईयरफोन के माइक से, जो कि ऑलमोस्ट इस लेंथ पे आता है। तो अगर आप नॉर्मली ईयरफोन को लगाते हो तो ऐसी ही आवाज़ आपको ऑलमोस्ट सामने वाले के पास जाने वाली है। अगर माइक को ऊपर कर लिया जाए तो कुछ इस तरह की आवाज़ आप सुन सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि कैसी लगी मीवी की आवाज़। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है बोल्ट ऑडियो X1 के ईयरफोन के माइक से। इसका भी माइक ऑलमोस्ट यहाँ पर इस लोकेशन पे आता है, तो आप जज कर सकते हो कि कैसी साउंड आ रही है। और अगर मैं माइक को पास मिलाता हूँ तो कुछ इस तरह की आवाज़ आप सun सकते हो। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है ओराइमो वर्टेक्स 2S के माइक से, जबकि ये ऑलमोस्ट नॉर्मल लोकेशन पे है। और अगर मैं माइक को मुंह के पास मिलाता हूँ तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है डंबल हेलिक्स 2 वाले ईयरफोन के माइक से,
अगर ये नॉर्मल लोकेशन पे इस तरह से है तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है जैसे कि आप सुन रहे हो। अगर आप माइक को पास मिलाते हो तो कुछ इस तरह की आवाज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर ईयरफोन के माइक से। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है एंट ऑडियो W56 के माइक से। इसका माइक यहाँ बीच में नहीं है, इसका माइक यहाँ पास में ही है, तो आपको काफ़ी अच्छी आवाज़ का डिफरेंस पता चल रहा होगा कि जिस ईयरफोन के माइक ऐसे यहाँ साइड में होते हैं वो कितने ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी सिर्फ इस लिस्ट में सारेगामा कारवा GX01 और एंट ऑडियो W56 इन्हीं दोनों ईयरफोन में मिलता है। बाकी सारे ईयरफोन के माइक ऐसे बीच में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। बताना कमेंट सेक्शन में जाकर आपको किस ईयरफोन के माइक की आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है। कॉल क्वालिटी डिपार्टमेंट की रेटिंग कुछ इस तरह से है। इसमें क्लियर विनर बनते हैं दो ईयरफोन्स और वो हैं एंट ऑडियो W56 और सारेगामा कारवा GX01। दोनों ही 4 स्टार की कॉल क्वालिटी रेटिंग अचीव करने में काफी सक्सेसफुल रहे हैं। और उसके बाद जो रनर अप रहा है वो है मीवी का रॉक एंड रोल E5। रनर अप क्यों रहा? क्योंकि इसकी भी रेटिंग मैंने 3.5 दी है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि मीवी की भी साउंड काफी अच्छी ट्रांसमिट हो रही थी। और जो टोटल लूजर रहे वो रहे ओराइमो वर्टेक्स 2S और बोल्ट ऑडियो X1। ये दोनों ही लूजर रहे क्योंकि बोल्ट की तो एकदम ही खराब लगी मुझे, एम्बियंट नॉइस काफी ज्यादा हो रहा था माइक की वजह से। ओराइमो का भी कुछ खास नहीं लगा, जस्ट 3 3 स्टार ये दोनों ईयरफोन पाने में सक्सेसफुल रह पाए हैं। और उसके साथ में हेलिक्स ने भी सिर्फ 3 स्टार ही अचीव किया है। इन सभी ईयरफोन के माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं है। और अब सबसे लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, म्यूजिक क्वालिटी। म्यूजिक क्वालिटी डिपार्टमेंट में कौन सा ईयरफोन इन सब में से सबसे अच्छा है, उसकी मैं थोड़ी सी यहाँ पर अच्छे से बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इतने सारे ईयरफोन को टेस्ट करते हुए। मुझे अलग अलग म्यूज़िक सिग्नेचर का भी एक एक्सपीरियंस मिला कि किसका म्यूज़िक सिग्नेचर ज़्यादा अच्छा है, किसका खराब है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में ही बात करते हैं। सारेगामा कारवा GX01 एक काफ़ी अच्छा साउंडिंग ईयरफोन है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसकी काफ़ी तारीफ की थी एंड नो डाउट इसकी म्यूजिक सिग्नेचर ना काफ़ी एक्सेलेंट है। इसमें जो मिड टोन्स वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया आते हैं। बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, काफ़ी हाई वॉल्यूम पे भी बेस बहुत ही क्लियर रहती है। तो इस ईयरफोन में आप काफ़ी लाउडली म्यूजिक सुन सकते हैं, इवन 100% वॉल्यूम पे भी, काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी बात करते हैं अब हम मीवी रॉक एंड रोल E5 की। इसका जो म्यूजिक सिग्नेचर है उस सारे गामा कारवा से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो बेस है वो 80-90% वॉल्यूम पे थोड़ा यहाँ पर डिस्टॉर्शन आ जाती है, थोड़ी बेस फटने सी लगती है, वो कॉमन इशू है कई सारे ईयरफोन्स में। यहाँ पे भी इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, यहाँ पे 80% वॉल्यूम पे इसकी साउंड थोड़ी सी मडी होती ही होती है। लेकिन इसमें जो ट्रेबल मुझे लगा ना वो काफ़ी अच्छा था। आप ऐसे ट्रेबल के शौकीन हो तो ये ईयरफोन काफ़ी सही रहने वाला है। म्यूजिक क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी ये काफ़ी ठीक ठाक सा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे ईयरफोन की, बोल्ट ऑडियो X1। इसकी म्यूजिक क्वालिटी की भी मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी तारीफ की थी एंड नो डाउट इसका जो स्टीरियो वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने इसको ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग दिया था, यहाँ पर इसकी रेटिंग थोड़ी डाउन हुई क्योंकि अभी बेटर ऑप्शंस हैं। एक्चुअली फिलहाल अगर आपको बोल्ट ऑडियो X1 खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम जो है डिस्टॉर्टेड मिलेगा 80-90% वॉल्यूम पे, वो एक कॉमन इशू सभी ईयरफोन में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं डंबल हेलिक्स 2 की। यहाँ पर म्यूजिक क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी ख़राब सी लगी, ऑलमोस्ट उतना अच्छा नहीं साउंड किया। और यहाँ पर ये मेटेलिक बिल्ड होने के बावजूद भी मुझे इसकी साउंड काफ़ी अजीब ही लगी, नॉट ए गुड चॉइस। अगर आपको म्यूजिक के लिए लेना है तो इस ईयरफोन से बचना है आपको, इट इज़ नॉट दैट गुड। और अब बात करते हैं ओराइमो वर्टेक्स 2S की। इस ईयरफोन की मैंने काफ़ी तारीफ की थी अपने पुराने वीडियो में एंड नो एक्सेप्शन, इसका जो सराउंड है वो काफ़ी अच्छा है। बस इसमें भी आप ऐसे 100% वॉल्यूम पे तो इसको नहीं सुन सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन 50-70-80% तक वॉल्यूम पे ये भी काफ़ी अच्छी म्यूज़िक आपको ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। बेस वगैरह इसमें भी ठीक ठाक सा है। हाँ ये कहूँगा मैं कि बोल्ट ऑडियो X1 का बेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका भी कंपटीशन है।
अब मैं बात करता हूँ एंट W56 एंट ऑडियो की तरफ से। इसका जो बेस है ना, ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही बेस है भाई। इसमें इतना बेस है ना, अगर आप बेस लवर हो तो ये ईयरफोन आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। क्योंकि एक तो इसकी जो फिटिंग है ना, इसका जो रबर मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा फिट होता है, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा फिट होता है। लेकिन बेस जो है ना, एट सम पॉइंट 50-60% वॉल्यूम पे जाते जाते बहुत ज़्यादा बेस होता है, एकदम हिला के रख देने वाला है, वैसा बेस है ये। बशर्ते कभी कभी हो सकता है आपका सर दर्द होने लगे क्योंकि बेस कुछ ज़्यादा ही है। तो इस ईयरफोन को भी मैं थोड़ा ठीक ही ठाक सा मानूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं मानूंगा, क्योंकि वोकल्स वगैरह भी उतने क्लियर नहीं आ रहे थे, थोड़ी खिस्से सी इसमें साउंड सी आती है अगर आप हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो। तो अब बात करते हैं म्यूजिक क्वालिटी डिपार्टमेंट में कौन रहा विनर, कौन रहा लूजर। सारेगामा कारवां GX01 को मिलते हैं टोटल 5 स्टार 5 to 5। वाओ। और मुझे ये ईयरफोन की म्यूजिक क्वालिटी, मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के ईयरफोन्स को ये नेल्ड आउट करता है म्यूजिक क्वालिटी डिपार्टमेंट में, और ये क्लियर विनर बनता है म्यूजिक क्वालिटी राउंड का। दूसरा जो रनर अप रहा वो है ओराइमो वोर्टेक्स 2S 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग के साथ में एक अच्छी बेहतरीन सराउंड साउंड और साथ में एक क्लियर बेस की वजह से। तीसरे नंबर पे मैं दो ईयरफोन्स को सेलेक्ट करना चाहूंगा, ये ना तो विनर बन सके ना तो रनर अप बन सके, लेकिन अच्छे तो ये भी हैं। वो है मीवी का रॉक एंड रोल E5 4 out of 5 star की रेटिंग के साथ में, और बोल्ट ऑडियो X1 4 out of 5 star रेटिंग के साथ में। ये दोनों ईयरफोन भी काफ़ी सही हैं। लूजर्स यहाँ पर बने हैं डम्बल हेलिक्स 2 और एंट ऑडियो W56 ओनली 3 star की रेटिंग के साथ आउट ऑफ 5, विच इज़ क्वाइट लेस। म्यूजिक क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको एक अच्छी एक्सीलेंट म्यूजिक चाहिए तो सारे गामा कारवां GX01 is clear winner among all of it. इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इन 6 के 6 ईयरफोन में कौन सा ईयरफोन आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, अब मैं फाइनल वर्डिक्ट पे यही बात बताने वाला हूँ। काफी लंबी सी लिस्ट बनानी पड़ी मुझे इस वीडियो के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ईयरफोन के बारे में पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट में म्यूजिक कैटेगरी के लिए। म्यूजिक अगर आपको अच्छी खासी सुननी है तो सारे गामा कारवां इज अ क्लियर विनर अमंग ऑल ऑफ इट। उसके लिए साथ में आपको बोनस एक पॉइंट मिल जाएगा कि सारे गामा कारवां में कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, सिर्फ आपको बिल्ड क्वालिटी में कंप्रोमाइज थोड़ा यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपको बैलेंस्ड चीजें चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड पसंद है, कॉल भी हो, म्यूजिक भी हो, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, तो आपके पास ऑप्शन है मीवी रॉक एंड रोल E5। काफ़ी अच्छा ईयरफोन ये भी मुझे लगा, कभी कभी मैं ऐसे सुनने वाला हूँ। यहाँ पे आपको म्यूजिक क्वालिटी नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड टाइप की मिलेगी, साथ में जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है, ऑलमोस्ट नायलॉन ब्रेडिंग होने की वजह से। और कॉल क्वालिटी डिपार्टमेंट में मैं क्यों इसे रख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा माइक मुझे इसका लगा है, इस वजह से अगर आपको सब कुछ बैलेंस टाइप में चाहिए तो मैंने प्लेस दिया है मीवी रॉक एंड रोल को, एंड दैट इज़ फैंटास्टिक ईयरफोन यू शुड गेट। अगर आप कॉल क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, मान लो आपको बैलेंस चीज़ें नहीं चाहिए, आपको कॉल क्वालिटी से मतलब नहीं, आपको एक अच्छा ईयरफोन चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो और म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छी हो, उस केस में ओराइमो वर्टेक्स 2S इज अ क्लियर विनर। आपको आंख बंद करके सिर्फ ओराइमो ही खरीदना चाहिए, एक एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी विथ मेटेलिक ईयर टिप्स और साथ में एक अच्छी म्यूजिक क्वालिटी के लिए कॉल क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते रहते हो कि कौन सा ईयरफोन पबजी के लिए अच्छा है या फिर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो मोबाइल के थ्रू आप करते हो ईयरफोन लगाकर, उस केस में मैं रखना चाहूँगा एंट ऑडियो W56 को। बताता हूँ मैं क्यों ऐसा किया हूँ। एक तो सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी, यहाँ बिल्ड क्वालिटी राउंड का ये विनर रहा है, ऑफकोर्स 5 स्टार रेटिंग की बिल्ड क्वालिटी मैंने इसको दी है और बिल्ड क्वालिटी में ये काफ़ी एक्सीलेंट है। दूसरी चीज, एक अच्छी कॉल क्वालिटी भी, क्योंकि इसका माइक मुझे काफ़ी सही लगा, बहुत ही अच्छे वोकल्स ये ट्रांसमिट कर पा रहा था। एक और एडिशनल एडवांटेज क्या है, इसमें म्यूजिक भले ही आपको हो सकता है बहुत बेसी लगे,
लेकिन जब आप इसमें गेमिंग करोगे और साउंड इफेक्ट जो है ना वो कमाल के हैं। आप मूवीज देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो तो ये पार्टिकुलर ईयरफोन आपको काफ़ी मज़े देने वाला है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी की वजह से काफ़ी ड्यूरेबल भी रहेगा। फ्लैट टाइप का वायर है तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि म्यूज़िक क्वालिटी के लिए सारेगामा कारवा इज़ अ क्लियर विनर। उसके बाद बैलेंस्ड में मेवी रॉक एंड रोल E5। उसके बाद हमने बात की कि आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में म्यूज़िक चाहिए तो फिर ओराइमो आप ले लो, और उसके बाद अगर आप गेमिंग के लिए चाहिए तो एंट ऑडियो W56। पता नहीं कमेंट सेक्शन में जाकर ये वीडियो कैसा लगा और कैसा लगा मेरा टोटल ये कंपैरिजन इन 6 के 6 ईयरफोन्स का। बहुत लोग ना बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मैंने सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और भी ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और भी टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।